स्पेन की राजधानी मैड्रिड नाम के शहर में एक म्यूजियम है। उस म्यूजियम में यह पुतला रखा गया है। गौर से देखो इस पुतले को। यहां इस्लाम और मुसलमान के दुश्मन जब इस पुतले को देखते हैं ना, तो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, खुश होते हैं और चले जाते हैं। ऐसे ही एक दिन एक सुलझा हुआ समझदार पढ़ा लिखा यहूदी इस म्यूजियम में आया और उसने जब सरसरी तौर पर इस पुतले को देखा, बड़ा खुश हुआ, बहुत हंसा, इतराया भी। और हंसते हुए जब वो पलट के जाने लगा, तो जाते जाते वो रुक गया। रुक करके पलट के फिर से उसने देखा। अब फिर से उसने गौर किया तो लरजाने लगा, डरने लगा, कांपने लगा। और कांपते हुए उसने उस म्यूजियम के मालिक को बुलाया और बड़ी मिन्नतें की कि इस पुतले को निकाल दो। म्यूजियम के मालिक ने जब ये देखा कि सवाल करने वाला तो खुद यहूदी है, उसे तो एतराज होना नहीं चाहिए। उसने पूछा, अरे यहूदी, तुझे क्यों एतराज है इस पुतले से? तेरे मुकाम को तो हमने ऊंचाई पर रखा है। उस पढ़े लिखे यहूदी ने डरते हुए जवाब दिया कि मुझको अपने ऊंचे मुकाम से परेशानी नहीं है, मैं डरता हूं कहीं सबसे नीचे मुकाम वाले ने सर उठा लिया तो मैं अपने बैलेंस को खो दूंगा और मैं गिर जाऊंगा और मैं चकनाचूर हो जाऊंगा। दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे सर के उठाने का डर तो आज भी दुश्मन को है। हमारे बेदार होने का खौफ आज भी हमारे दुश्मन को है। अब हमें कब होश आएगा, हमारे अलार्म कब बजेंगे, हमारी नींद कब टूटेगी, हम बेदार कब होंगे, हम सर कब उठाएंगे।